हबीबुल्ला रोड ही ना? नहीं भैया, आजकल अन्ना नगर रह रही हूँ। अच्छा जी, मेरी बिटिया आपको बहुत पसंद करती है, आपकी तरह ही बड़ी बड़ी आँखें। अच्छा, क्या करती है वो? 5th class अभी पास किया है उसने, हाल ही में एक रिश्ता आया है उसके लिए। खुशी की बात है, लेकिन शायद वक्त पर पैसे नहीं मिल पाएंगे, देखते हैं क्या होगा आगे। चलता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ। मेरा एक काम करेंगे, ये साड़ी पीछे मारवाड़ी की दुकान पर बेच दीजिए और पैसे ले आइए। ये सब किस लिए? कुछ नहीं, आप लाकर दे दीजिए। भैया जी, ये लीजिए। इतना सब? जानकार लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं और आप? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? ये आपकी बिटिया के लिए है, मना मत कीजिए। अच्छा, तुम्हें ये कहानी लिखनी ही होगी, उनकी कहानी में आंसू हैं, दुख है, लेकिन उन सब से लड़ने की हिम्मत भी है। आज का कार्यक्रम प्रमुख सिने अभिनेत्री सावित्री जी को समर्पित है। मैंने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, प्यार के लिए जिससे प्यार किया उसे भी छोड़ दिया। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे में प्यार का एक पल भी मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। मुझे तो पूरे 20 साल मिले, प्यार सबको नहीं मिलता, लेकिन अगर मिले तो उसे जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। आ बेटी, ये देखो, तुम्हारे ससुर जी शादी का कार्ड लेके आए हैं। मैं एंथनी जी से शादी करूंगी पापा। चुप कर, ये क्या बोल रही है, इसे होश नहीं है। मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ पापा। उनसे शादी करना सही या गलत पता नहीं पापा, लेकिन नहीं करके जिंदगी भर पछताने से तो अच्छा है ना पापा, इसीलिए मैं उनसे ही शादी करूंगी। बाड़ी, सॉरी पापा, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिए। वाणी बेटा, वाणी बेटा, वाणी बेटा, बेटा वाणी, एक किक पापा। विवाह निश्चित हो चुका है, वधू है मिस दिव्या, वर है। रुक जाइए। वाणी जी, आप यहाँ कैसे? इधर आइए प्लीज। एंथनी, क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? क्या कर रहे हो? पेरेंट्स की चिंता मत करो, मैं अभी अपने पापा से कहकर आई हूँ, एक केक में लूना को स्टार्ट करके आई हूँ तुम्हारे पास, अब घर से भी निकाल दे तो कोई परवाह नहीं। ओह गॉड, आप इनके गुस्से को कम कीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए इन्हें। फादर जरा 2 मिनट प्लीज। वाणी जी, हम बाद में भी बात कर सकते ना, आप ऐसे सडनली। बाद में कब बात करेंगे? एंथनी जी, जिंदगी बहुत छोटी है, ये कुछ पल हमें हमारी तरीके से जीने चाहिए, अच्छा बुरा जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। देखिए, आप बहुत सुंदर हैं, दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा आपको। वाणी जी आप... एक मिनट मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैं हकलाकर बोलती हूँ, डॉक्टर ने कहा है इसे कम करने के लिए अंदर से बहुत हिम्मत आनी चाहिए। अभी इतनी देर से बात कर रही हूँ, रुकी क्या? देखा ना, नहीं हकलाई, जानते हो क्यों? क्योंकि यह है मेरे साथ, यही मेरी हिम्मत है। मुझे मेरी हिम्मत लौटा दीजिए प्लीज।
वाणी जी, थैंक यू। ये एंगेजमेंट मेरी नहीं है, मेरी बहन की है। दिव्या, ये मधुर वाणी है, बीए गोल्ड मेडलिस्ट। और ये है अजय, इसके फियांसे। कंग्रेचुलेशंस वाणी जी। वाणी जी, आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकता हूँ? पूछे ना एंथनी जी। बिना चश्मे के आप लूना कैसा चला कर आ गई? कितनों को घायल किया है आपने? मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है, लेकिन आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर बाकी रह गया है। May 11th, जब आप बैंगलोर शूट पर जा रही थी। अम्मा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। अम्मा प्लीज। अम्मा रुको बेटा, 2 मिनट रुको। अम्मा मुझे कुत्ते वाला खिलौना चाहिए। पहले अम्मा कुत्ते की ड्राइंग बनाओ, फिर खरीद दूंगी। ठीक है। हेलो, सावित्री जी बोल रही हैं? हाँ हाँ, सावित्री बोल रही हूँ। आप कौन? आपको नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है। इस महीने की 24 तारीख तक आपको 2 लाख की पेनल्टी भरनी होगी। अब और क्या भरना है? सब कुछ तो लेकर चले गए, मेरी सारी जायदाद सील कर दी, घर भी बेच दिया, अब जीने भी नहीं देंगे। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। क्यों दूं आपको? 1 रुपया भी नहीं दूंगी। जो करना है जाकर कर लो, मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। मेरे साथ आना चाहता था ना? चल सामान पैक कर। ठीक है अम्मा। हुँ? कैसी हो शोभा? सतीश तुम्हें बहुत याद करता है, वो कुत्ते वाला खिलौना देखकर। सतीश, याद है तुमको मैं कौन हूँ? याद है। अच्छा, कौन सा खिलौना पसंद है तुम्हें? कुत्ते वाला। कुत्ते वाला? और क्या क्या पसंद है? तुम इसे शॉपिंग के लिए लेकर जाओगी? 2 लाख रुपए मांग रहे हैं वकील साहब। 1 साल से मेहनत करके सतीश के लिए एक एक पैसा बचा रही हूँ मैं, ऐसी ही जिंदगी भर पेनल्टी देती रहूंगी तो कैसे चलेगा? ये दरअसल इनकम टैक्स मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं मानेंगी तो बहुत मुश्किलें आ सकती है, कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो तुम्हें किस काम के लिए रखा है मैंने? मुझे अगर जेल भी हो गई तो परवाह नहीं, अब एक पैसा भी नहीं दूंगी। दिखाई नहीं देता कि सामने कौन आ रहा है? देख कहां रहे थे तुम? गलती हो गई मैम साहब, माफ कर दीजिए। ये देखो साड़ी की क्या हालत कर दी तुमने, अभी बताती हूँ। मैनेजर से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ।
सताती है यादें जाए यहाँ से बताओ कहाँ कहाँ जाना है साहब? हरिणी स्टूडियो जाना है, कितने पैसे लोगे? 25 पैसा साहब। मौसा जी ट्राम में चलते हैं ना। एक बार कहा ना ऑडिशन खत्म हो गए, चले जाइए आप, आपकी लड़की किसी में फिट नहीं हो पाएगी। तमिल नहीं आती आप लोगों को? पार्वती दूसरी बीवी बनकर साथ रहने को तैयार होती? हाँ क्यों नहीं होती, प्यार किया था ना। देवदास अगर जेमिनी गणेशन हो पी रहे ना आप? मेरी वजह से? मतलब गिरने में भी मुझे क्रेडिट नहीं दोगी? मेरी ही वजह से? सब कुछ बर्बाद हो गया। शिकवा शिकायत क्या कर...